बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम मल्टीप्लेक्सिंग को डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग का जो मेन पर्पस होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इसकी जो सब टाइप्स हैं इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाई वन, और डी मल्टीप्लेक्सिंग का ओवरव्यू भी हम कर लेंगे कि डी मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली क्या होती है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लेक्सिंग को डिफाइन करें, तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम कहते हैं मेनी टू वन, मीन्स इनपुट हमारे पास बहुत सारी होती हैं और आउटपुट हमारे पास एक ही होती है। जबकि डी मल्टीप्लेक्सिंग इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उसमें आपके पास इनपुट एक होगी और आउटपुट काफ़ी सारी होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लेक्सिंग को शो किया हुआ है मेनी टू वन, मीन्स आपके पास इनपुट काफ़ी सारी होंगी और आउटपुट आपके पास एक ही होगी। और डी मल्टीप्लेक्सिंग में वन टू मैनी आ जाएगा, मीन्स टू से आपके पास इनपुट एक है लेकिन आउटपुट आपके पास काफ़ी सारी हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लेक्सिंग को देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली एक सेट ऑफ टेक्निक होती है जिसमें आप एक सिंगल डेटा लिंक को यूज़ करते हुए ट्रांसमिशन करते हैं काफ़ी सारे सिग्नल्स की, या मल्टीपल सिग्नल्स को आप एक ही डेटा लिंक को यूज़ करते हुए ट्रांसमिट करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो मक्स से, या इसको हम मल्टीप्लेक्सर का नाम देते हैं, मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए आप मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ये क्या करता है, इनपुट्स को कंबाइन करके वन आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, या वन आउटपुट लाइन बना देता है। अगर इसको शॉर्टली आप देखें तो ये हो जाता है मेनी टू वन। अब डी मल्टीप्लेक्सिंग या डी मक्स जो है वो डी मल्टीप्लेक्सर के थ्रू होता है, इसको हम डी मक्स का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये उसके मल्टीप्लेक्सर के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है कि काफ़ी सारे सिग्नल जो एक बन चुके होते हैं, ये क्या करता है, स्प्लिट करता है एक ही इनपुट को काफ़ी सारी आउटपुट में, या आप सिंपल वे में इसको कह लें कि ये वन टू मैनी कर देता है। मल्टीप्लेक्सर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी कि इसमें ये है, ये देखें काफ़ी सारे इनपुट्स हैं, एन इनपुट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं इनपुट साइड पर, और आउटपुट पे हमारे पास जो है वो एक ही चैनल है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होगा। उसके बाद डी मक्स में चला गया, डी मक्स में जाने के बाद जो है वो एक ही इनपुट थी वो स्प्लिट हो गई काफ़ी सारी आउटपुट। अब हम इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। इसके एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एडवांटेजेस में इसका अभी हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। इसमें एक है आप, मतलब आप काफ़ी सारे सिग्नल को यूज़ करते हुए एक ही लिंक के थ्रू या एक ही मीडियम के थ्रू आप भेज सकते हैं। दूसरा है कि ये एक मीडियम की बैंडविड्थ को आप इफेक्टिव मैनर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप देखें, अब ये आपने कंपैरिजन देखना है कि इसमें जो ए डायग्राम है इसमें आपने कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं की, जबकि बी डायग्राम में आपने मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ किया। तो जहाँ पर आपने मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ नहीं किया वहाँ पर आपको ये ट्रांसमिशन के लिए सेपरेट जो है चैनल प्रोवाइड करना पड़े, जबकि यहाँ पर चार कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही चैनल को शेयर करके उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है एक ही पाथ है और चार चैनल हैं, जबकि इसमें चारों पाथ के लिए चारों चैनल आपको प्रोवाइड करने पड़े हैं। तो ये वाला मेथड जो है ये हमारे पास इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूटेबल होता है। अब हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स को जब आप डिस्कस करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की, तो इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको आप एफडीएम का नाम देते हैं। फिर उसके बाद है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम भी इसको एब्रीवेशन के तौर पे इसको हम देख लेते हैं समटाइम्स। और इसके बाद है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो फर्स्ट वन जो है और सेकेंड वन, ये दोनों एनालॉग में आ जाती हैं, जबकि थर्ड वन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो डिजिटल में आ जाती है। तो इसके बाद इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की। एक है हमारे पास सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरी है एसिंक्रोनस। इसमें टाइम का हिसाब होगा, एक में हम जो टाइम स्लॉट है वो एक जैसा ही प्रोवाइड करेंगे और इसमें है वो टाइम स्लॉट डिफरेंट हो सकता है। खैर, इनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक तो अभी हमने क्लासिफिकेशन में भी ऑब्जर्व कर लिया कि ये हमारे पास एनालॉग टेक्निक है। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि इसमें जो सिग्नल होते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के, उनको कंबाइन किया जाता है एक ही कंपोजिट सिग्नल में सिंगल लिंक के थ्रू। इसमें क्या करते हैं आप बैंडविड्थ जो है वो डिफाइन कर देते हैं, तो इसमें चैनल को आप सेपरेट कर देते हैं स्ट्रिप के थ्रू। इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सिंपल वर्ड में, तो वो इस तरह से हो जाएगा कि जैसे आपने हाईवे या मोटरवे को ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें डिफरेंट लेन बनी हुई होती है,
तो डिफरेंट लेन में आप डिवाइड कर दिया जाता है कि इसमें बाइसिकल जाएंगे, इसमें गाड़ियां जाएंगे, इसमें हैवी व्हीकल जो है वो ट्रैवल करेंगे, मतलब एक ही रोड को आप स्प्लिट कर देते हैं कि डिफरेंट ट्रैफिक के लिए। बिल्कुल इसी तरह से इसमें क्या होता है कि आप मीडियम जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है, तो उसमें जैसे फर्ज करें एक ही मीडियम है, तो इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि इतनी स्लॉट जो है इतनी फ्रिक्वेंसी की वो इस सिग्नल के लिए है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इतनी फ्रिक्वेंसी दूसरे सिग्नल के लिए, मतलब एक ही लिंक पे जाएंगे, एक ही जो है वो सिंगल लिंक यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें स्लॉट्स हम डिवाइड कर देंगे, स्लाइसेस बना देंगे या स्ट्रिप्स बना देंगे। तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं इस तरह से। ये डायग्राम से हमें ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली तीन लाइन्स पीछे से आ रही है, इसको हमने मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू सिंगल में कंबाइन करके इसको आगे भेजना है, और हमने यूज़ करनी है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें क्या है, ये वाली F1 जो है उसके लिए ये वाली स्लॉट डिफाइन कर दी है, F2 के लिए इसके बाद वाली स्लॉट डिफाइन कर दी है, और F3 के लिए ये वाली स्लॉट डिफाइन कर दी है। तो इस तरह से ये मीडियम एक ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो है वो डिफरेंट स्लॉट्स में ट्रेवल कर लेंगे, जस्ट लाइक जब आप रोड पे अपनी अपनी लेन में रहते हैं, रोड एक ही होता है लेकिन उसको डिवाइड कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है वो असाइन कर दी जाती है, वह एक स्पेसिफिक सिग्नल के लिए दूसरा सिग्नल जो है वो अपनी दूसरी फ्रिक्वेंसी के स्लॉट में ट्रेवल करेगा, मीडियम एक ही होगा लेकिन इस तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। एप्लीकेशंस में ये है कि हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मींस हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो FM और AM में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, आगे इनकी स्पेसिफिक रेंज बताई हुई है। उसके अलावा ये टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो सेलुलर फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेलीफोन जो थे उसमें भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो यूज़ की जाती थी। तो इसका जो मल्टीप्लेक्सर का एक सिंपल सा फिनोमेना दिखाया हुआ है कि इस तरह से वर्क करता है, मजीद डिटेल से बताने के लिए इस तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी के स्लॉट को डिफाइन किया हुआ है। अब जो है वो डी मल्टीप्लेक्सिंग आ जाएगी। तो डी मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग का बिल्कुल क्या है, रिवर्स होगी। इसमें जो है वो फर्स्ट वन जो है वो नॉइस वगैरह को रिमूव करने के लिए ट्रांसमिशन के जब बाद जब रिसीवर साइड पे इनको सिग्नल को हम रिसीव करते हैं और उसके बाद फिल्टर लगा के नॉइस को या जो अनवांटेड सिग्नल होता है उसको हमने रिमूव कर लिया, उसके बाद हमारे पास सिग्नल आ गया। इसके बाद हमने डी मल्टीप्लेक्सर में जो हमारे पास एक ही लिंक यूज करते हुए काफ़ी सारे सिग्नल जो आ रहे थे उसको हम स्प्लिट कर लेंगे, तो इसमें यह हो जाएगा 1-to-many, मीन्स इनपुट साइड पे हमारे पास एक ही सिग्नल है जबकि आउटपुट साइड पे हमारे पास तीन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डी मल्टीप्लेक्सर का काम हो गया। अब सेकेंड टाइप है हमारे पास वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी एनालॉग टेक्निक ही है। इसमें सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हम इसमें यूज़ क्या करेंगे कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम उनको सिग्नल को जो है वो डिवाइड करेंगे और उसको फिर हम ट्रांसमिट करेंगे। तो इसमें जो है इसको हम डायग्राम के थ्रू ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि इसमें जो है बेसिकली जब हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं तब जो है हम ये वाली मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ होती है, हम एक ही चैनल के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक के थ्रू हम उनको ट्रैवल कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको कंबाइन करके एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये ट्रांसमिट हो जाती हैं उसके बाद डी मल्टीप्लेक्सर हमने करना होता तो वो यहाँ पर आके आउटपुट साइड पे अगेन जो है वो अपनी अपनी वेव के में डिवाइड हो जाती हैं। इसको हम बेसिकली वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। इसके प्रोसीजर को यहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है कि WDM वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तरह ही काम करती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट सिग्नल जो होते हैं वो आर ऑप्टिकल लाइट, ऑप्टिकल और लाइट सिग्नल्स, मीन्स हमारे पास सिग्नल जो है वो ऑप्टिकल होंगे या लाइट सिग्नल्स होंगे। इसमें क्या इसको हमने ट्रांसमिट करना होगा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। इसमें हमारी डिफरेंट लाइट वेव्स होंगी, वो डिफरेंट सोर्सेज से इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइन करेंगे, फिर जब ये रिसीवर साइड पे जाएंगे तो उनको हम जो कंपोजिट लाइट सिग्नल होगा उसको ब्रेक करेंगे, कंपोजिट लाइट सिग्नल को हम ब्रेक करेंगे डिफरेंट लाइट वेव में उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये जो काम है वो डी मल्टीप्लेक्सर करेगा। तो इस तरह से इनका जो कम्बिनेशन होता है वेवलेंथ का और उनको स्प्लिट करना है तो ये हम प्रिज्म के थ्रू करते हैं। प्रिज्म को का ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपने मैट्रिक एफएससी में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि जिसमें हम ऑब्जर्व करते कि देखे जो हमारे पास लाइट होती है विजिबल लाइट होती है उसको हम उसके 7 कलर में स्प्लिट कर लेते थे और वो हमें डिफरेंट कलर नज़र आते थे। तो वो बेसिकली यही करता है ना प्रिज्म जो होता है कि वो एक ही मतलब जो लाइट वेव हमारे पास आती थी उसको स्प्लिट कर देता था डिफरेंट कलर्स को उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो प्रिज्म यहाँ पर भी यही काम करेगा, उसको कंपोजिट करने का और उसको और स्प्लिट करने का भी। तो ये जो है
बीम ऑफ लाइट जो होती है बेस करती है किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव पे, कि जो लाइट वेव एंगल ऑफ इंसिडेंस किस एंगल से उसके ऊपर पड़ी और हम उसको किस एंगल से ऑब्जर्व करें। तो बेसिकली इस बताने का मकसद ये है कि इसमें जो है वो मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का काम जो है वो प्रिज्म करेगा, और यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ही होगी। अब टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग को देख लेते हैं। टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग में इस टेक्निक में हमारे पास जो चैनल होता है वो बेस करता है टाइम पे, जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन में फ्रीक्वेंसी पे करता था, वेवलेंथ जो थी वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में वेवलेंथ पे करता था, तो इसमें टाइम पे करेगा। और दूसरी ये डिजिटल टेक्निक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने फ्रीक्वेंसी की स्लॉट डिफाइन की हुई थी, यहाँ पर जो है वो टाइम इंटरवल हम स्लॉट करेंगे। ठीक है, टाइम इंटरवल या स्लॉट या स्लाइस हम डिफाइन कर देंगे कि एक सिग्नल को, कि मतलब इस टाइम पे ये सिग्नल जो है वो पास होगा या ए सिग्नल जो होगा ये सेंड होगा और रिसीव होगा, इस तरह से। मतलब ये हमारे पास इनपुट साइड पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर लगा होगा और आउटपुट साइड पे हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, ये हमारी ट्रांसमिशन है। अब इसमें जो है हमने स्लॉट डिफाइन कर देते हैं, फर्स्ट फर्ज करें कि हम टी वन के लिए डिफाइन करते हैं, देखें टी वन के लिए हमारा ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट होगा, फिर टी टू में ये होगा, फिर टी थ्री में ये होगा और फिर टी फोर में ये होगा, मतलब इस तरह से हम वन बाय वन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी स्लॉट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो इसकी फर्दर सब टाइप्स में हमारे पास एसिंक्रोनस टीडीएम और सिंक्रोनस टीडीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारी जो हर डिवाइस होती है उसको एक ही टाइम स्लॉट दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर फर्ज करें आपने यूनिफॉर्मली टाइम स्लॉट जो है वो डिफाइन की होती है, हर डिवाइस ने अपना जो है ट्रांसमिशन का जो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है वो एक स्पेसिफिक टाइम में करना है। अगर एक डिवाइस जो है वो डेटा नहीं है उसके पास, ठीक है, तो उसका जो है उसकी टाइम स्लॉट जो है वो एम्प्टी रहेगा, मतलब उतना टाइम कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा। फर्ज करें ना आपके पास यहाँ पर, चले मैं यहाँ डायग्राम से समझा देती हूँ, यहाँ पर फर्ज करें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, यहाँ ये एम्प्टी है, तो ये उतना टाइम तक एम्प्टी रहेगा, फिर उसके बाद जब टाइम गुजर जाएगा फिर ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट होगा और फिर ये वाला सिग्नल ट्रांसमिट होगा। इसमें टाइम स्लॉट्स जो होती हैं वो फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज होती हैं, और हर फ्रेम जो होता है वो वन और मोर देन वन टाइम स्लॉट पे भी कंसिस्ट कर सकता है। तो फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सेंडिंग डिवाइसेस जो हैं वो एन है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं जनरली, और हमारे पास स्लॉट्स जो हैं वो फ्रेम में वो भी एन है। तो सिंक्रोनस में देखते हैं, सिंक्रोनस में अभी ये आपको डिफरेंट कलर से ज़्यादा क्लियरली पता लग जाएगा। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, इनके डिफरेंट कलर्स जो है वो हमने डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्काई ब्लू है, फिर रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है और फिर ये ब्लैक है। तो फर्ज करें हमने इसकी जो स्लाइड टाइम स्लॉट्स हैं वो हमने 5 डिफाइन की हुई है, और इस तरह से की हुई कि सबसे पहले हमारे पास ये ब्लैक वाला ट्रांसमिट होगा, ब्लैक के बाद फिर ग्रीन वाला जाएगा, ग्रीन के बाद फिर येलो वाला जाएगा, येलो के बाद फिर रेड, और उसके बाद जो है ये स्काई ब्लू जाएगा। तो ये जो है इनके फ्रेम जो है वो इसी तरह से कंटिन्यूसली आगे ट्रांसमिट होते रहेंगे। तो पहले ये जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर मतलब इस तरह से हमारे पास ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास ट्रांसमिशन होते रहेंगे। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सिंक्रोनस में, कि हमने हर किसी को इक्वली टाइम स्लॉट जो है वो डिफाइन किया हुआ है। इसको हम STDM का नाम भी देते हैं, अब्रीविएशन है ये। इसको हम अगर वैसे पढ़ें डिटेल से तो ये सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाएगा। तो इसमें हर डिवाइस जो होती है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसने डाटा जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो लिंक में भेजना है। सिंक्रोनस मल्टीप्लेक्सिंग की ये सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, तो इसमें हर फ्रेम जो है वो 4 स्लॉट्स पे कंसिस्ट करेगा। इसमें 4 इनपुट डिवाइसेस हैं तो 4 स्लॉट्स होती हैं। स्लॉट्स ऑफ सम डिवाइसेस को एम्प्टी इफ दे डू नॉट हैव एनी डाटा टू सेंड, मींस टू से कि अगर जो है वो कोई डाटा सेंड करने को नहीं है तो वो वाली स्लॉट जो है वो एम्प्टी चली जाएगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि चैनल कैपेसिटी जो होती है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होती, मींस टू से कि अगर आपके पास कुछ फ्रेम्स में डाटा नहीं है तो वो एम्प्टी चली जाएंगे। मतलब आपने अगर कोई डाटा सेंड नहीं करना टाइम स्लॉट तो उसको इक्वली ही डिफाइन होगी, तो वो वाले जो फ्रेम है वो एम्प्टी चले जाएंगे। एसिंक्रोनस में ये होगा कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जैसे फर्ज करें आपके पास जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स 5 हैं, तो स्लॉट्स जो आपने डिफाइन की हुई हैं वो 3 हैं। तो ये जो है इसमें से कुछ जो है वो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं एसिंक्रोनस में, या हम टाइम को अनइक्वल डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स टू से अगर हम एक सिग्नल को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए, तो वो भी इसमें पॉसिबल होता है। तो
टाइम डिवीजन मल्टी इसको हम स्टेटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं एसिंक्रोनस का। इसमें क्या होता है कि हमारी टाइम स्लॉट्स होती हैं वो फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इसमें टोटल स्पीड जो होती है वो ग्रेटर हो सकती है उसकी कैपेसिटी से। तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स दोनों बराबर नहीं होती, इसमें वेरिएशन या फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है। तो स्लॉट्स होती हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होती, बल्कि हम इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो जो हमने जो डाटा सेंड करना होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको एलोकेट करते हैं। अब इसमें हमारे पास देख लें इनपुट साइड पे हमारे पास जस्ट 3 लाइंस में डाटा है, ठीक है, बाकी जो है वो एम्प्टी है। तो हम उनको जो है वो टाइम जो है वो टाइम स्लॉट जो है वो उनको हम एलोकेट ही नहीं करेंगे। इसमें भी डिफरेंट है, इसमें सबको ही हमने सब में ही डाटा है तो हम इसमें हम सबको ही भेजेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।